लास्ट टाइम में हम लोगों ने मतलब बात किया है टाइप ऑफ लॉजिक गेट के विषय में, और उसके बाद में कॉम्बिनेशन ऑफ लॉजिक गेट और उनका जो बेसिक चीजें होती हैं उन सब पर, जैसे बूलियन एक्सप्रेशन है और क्या नाम है आपका सिंबल है और ट्रुथ टेबल है, इन सब चीजों पर हम लोग बात कर चुके हैं। आज जो है इस पर हम बात करेंगे रियलाइजेशन ऑफ लॉजिक गेट और दूसरा है वेव फॉर्म ऑफ लॉजिक गेट। तो पहला रियलाइजेशन ऑफ लॉजिक गेट, इसमें सबका हम देखेंगे, जैसे आपका है पहला आर गेट और दूसरा है एंड गेट और तीसरा है नॉट गेट। रियलाइजेशन का मतलब यह है कि ये गेट बनते कैसे हैं, अर्थात लॉजिक गेट जो मूल लॉजिक गेट है, लॉजिक गेट कैसे बनता है। बनता कैसे उसके बारे में, तो सबसे पहले इसमें जो हमारा आर गेट होता है, इसमें आपका जानते हो केवल आप ऐसे समझ लीजिए कि दो पीएन जंक्शन डायोड होते हैं, आपका इसमें दो पीएन जंक्शन डायोड होता है और कोई कुछ इस तरह से, ठीक, ये दो डायोड होते हैं, ये आपका पी और एन और उसके बाद में ये भी पी और एन और ये डी वन और डी टू दो डायोड होते हैं, ठीक। और उसके बाद में इस तरह से यहां पे आपका इनपुट ए और ये इनपुट बी होता है और यहां पे जो है एक हम रेजिस्टेंस लगा के उसको अर्थिंग कर देते हैं कुछ इस तरह से, तो यही चीज हो गया पीएन जंक्शन आपका ये, यानी दो डायोड होते हैं दोनों को जो है यहां पे देखिए, ये लगभग आप अगर बैटरी के विषय में बोलें कि यहां पे जो हमने लगाया हम मान लेते हैं कि यहां पे 5 वोल्ट का बैटरी लगाए, तो दो टर्मिनल है जिसे जो बैटरी आप लेंगे उसका एक पॉजिटिव टर्मिनल एक निगेटिव टर्मिनल, निगेटिव टर्मिनल को क्या करते हैं ग्राउंडिंग कर देते हैं, मतलब इसको हम जीरो पोटेंशियल पर रखते हैं, ठीक। तो 5 और 0, तो जब हम इसमें इनपुट देंगे मतलब 5 वोल्ट पे उसको करेंगे, इसमें इनपुट देंगे तो इसको 5 वोल्ट पे करेंगे, अगर हम दोनों में इनपुट दे रहे हैं तो दोनों को हम 5 वोल्ट पे करेंगे और दोनों को नहीं दे रहे हैं तो दोनों को हम 0 वोल्ट पे करेंगे, बस समझ लो ना। तो जो पॉसिबिलिटीज हमने ट्रुथ टेबल में इसका देखा था सेम चीज, अगर ये 5 वोल्ट पर होगा तो पॉजिटिव टर्मिनल चूंकि इसके साथ है तो ये अपने से करंट को फ्लो करने देगा, और अगर ये सब में जो भी 5 वोल्ट पर होगा वो क्या करेगा अपने में से करंट को फ्लो करने देगा, तो जब अपने में से करंट होकर के फ्लो करेगी तो आपका यहाँ पे जो है आउटपुट मिलेगा, और जब करंट यही करंट बाधित हो जाती है नहीं जाएगी, यानी जब आप यहाँ से जीरो पोटेंशियल पे इसको कर दोगे तो उसमें से करंट इसमें से डायोड में से करंट होकर के नहीं जाएगी, मतलब यहाँ पे आउटपुट आपको नहीं प्राप्त होगा, ठीक। लेकिन यहाँ पे पहले केस में है आर गेट में क्या है कि चाहे इसमें इसमें किसी में भी अगर मान लीजिए आपने यहाँ पे कहीं बल्ब लगाया हुआ है, इधर आपने कनेक्शन किया है उसके बाद में बल्ब लगाया है इधर और उसके बीच में ये आपने लगाया है आर गेट, तो ऐसी स्थिति में जब आप एक में भी चाहे इसमें 5 वोल्ट की सप्लाई अगर आप दे देंगे मतलब इनपुट आप अगर दे देंगे तो एक ही में अगर इनपुट देंगे तो भी आपका बल्ब क्या होगा जल जाएगा, है ना। लेकिन
अगर आप इसमें इसमें जीरो किए रहे, इसमें पांच किए रहे तो जल जाएगा, इसमें पांच तो भी जल जाएगा, इसमें जीरो इसमें पांच तो भी जल जाएगा, ये भी जीरो तो नहीं जलेगा, तो बल्ब आपका नहीं जलेगा। तो ये चीज हो गई इसका। अब एंड गेट का इसी प्रकार हम देखते हैं, तो एंड गेट में क्या है, कुछ और नहीं है, इसी को हम रिवर्स कर देते हैं। जैसे यो ये हमने क्या लिखा है, पीएन जंक्शन जो है हमारा वो फॉरवर्ड वाइज है, तो वहां भी क्या हो जाता है रिवर्स वाइज, उल्टा कर देते हैं। यानी कुछ इस तरह से हम इसे दो डायोड लेंगे, दो डायोड, लेकिन अब की बार हम रिवर्स में करके इस तरह से लगाएंगे, उल्टा करेंगे। इस प्रकार लगा देंगे इसमें, बैटरी लगाएंगे, और इसको ग्राउंडिंग कर देंगे, पॉजिटिव निगेटिव 5 वोल्ट 0 वोल्ट। तो जब 5 वोल्ट पे जो रहता है सिग्नल, जब 5 वोल्ट जिसको देते हैं उसको हम किससे रिलीज, किससे बताते हैं कि एक बाइनरी नंबर एक से, और जब 0 वोल्ट पे जो रहता है उसको हम 0 से कहते हैं। तो अगर हमने एक कहा मतलब उस वाले, जैसे D1 को हमने एक कहा, इसका मतलब D1 को हमने इस बैटरी के 5 वोल्ट की सप्लाई दी हुई है, क्योंकि ये डिजिटल सर्किट है तो इसमें दो वैल्यू पॉसिबल होगी। जैसे हमने जो बैटरी लिया उसका दो ही वैल्यू पॉसिबल होगा, एक तो आपका हमेशा जीरो रहेगा मतलब सर्किट में कोई करंट फ्लो नहीं, दूसरा आपका कोई फिक्स क्वांटिटी, इसका मतलब ये नहीं हर बार हम 5 ही लेंगे या 5 में तो मैंने बोल दिया 5 लेंगे, ठीक। तो एक कोई फिक्स क्वांटिटी और दूसरा जीरो, यही दो चीजें होती हैं डिजिटल सर्किट में, हम लोग बहुत पहले इस पर बात कर चुके हैं, ठीक। अब यहाँ पे आप देखिए जो हमारा एंड गेट है उसका जो है रियलाइजेशन कैसे होता है, कैसे बनता है। तो इसमें दो डायोड आपके ऐसे रहेंगे, ये आपका एन और ये पी, ये आपका एन और ये पी डायोड आपके यहाँ पे, ये डी वन और डी टू डायोड है। अब फिर हम इसमें एक रेजिस्टेंस हम यहाँ पर भी लगा देंगे, और इसमें भी एक बैटरी हम लगाएंगे, पॉजिटिव नेगेटिव कुछ इस तरह से, और फिर इसको भी हम ग्राउंडिंग कर देंगे। बात समझ रहे हो ना? तो इस प्रकार जो है आपको यहां पे ये सी टर्मिनल, और इसी को आप ऐसे रिप्रेजेंट कर दीजिए, कुछ इस तरह से। तो ये भी आपका यहां पे प्राप्त हो जाएगा, जो हो जाएगा क्या, ये एंड गेट का हो जाएगा, है ना, एंड गेट। और सर्किट ये जो है बनती कई तरह से है, कई तरह से भी हम इस सर्किट को बना सकते हैं, रेजिस्टेंस बदल बदल करके जो है ग्राउंडिंग का जो डायरेक्शन है उस तरह से कई तरह की सर्किट हम इसमें बना सकते हैं। नॉट गेट का अगर आप देखें तो इन सब में हमने क्या किया है, हमने जंक्शन डायोड का, पीएन जंक्शन डायोड का इस्तेमाल किया है, और उसमें जो है हम ट्रांजिस्टर का इस्तेमाल करेंगे, है ना। तो यानी हम एक ट्रांजिस्टर लेंगे, एक एनपीएन ट्रांजिस्टर कुछ इस तरह से, जिसमें तीन टर्मिनल, ये है हमारा, ये हो जाएगा, और कॉमन एमिटर लेंगे ए ई बी सी और एन ई एन कुछ इस तरह से। इसको इसमें जो है हम क्या करेंगे, एक रेजिस्टेंस लगाएंगे, और इसको भी हम अलग से ग्राउंडिंग करेंगे। ये तो आपका ऑलरेडी जो है ये ग्राउंडिंग रहेगा, और यहां पे एक बैटरी पहले लगाइए, एक रेजिस्टेंस लगाइए, ठीक, और उसके बाद में जिसको आप कहेंगे आरसी, रेजिस्टेंस आरसी, पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट करिए, नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, और फिर इसको जो है आप ग्राउंडिंग कर दीजिए यहीं, समझ रहे हो ना, यानी जीरो पोटेंशियल पे, नेगेटिव टर्मिनल को जीरो पोटेंशियल पे कर दिए, और यहां पे आपका क्या हो जाएगा, फिर से वही चीज, यहां पे भी हमें एक रेजिस्टेंस लगा के एक बैटरी, और फिर से इसको ग्राउंडिंग, ठीक। तो यानी ये आपका 5 वोल्ट पे है, यहां पे ये भी 5 वोल्ट पे है,
और उसके बाद में ये 0 वोल्ट, ये 0 और ये वाला भी टर्मिनल 0 पे। इसी के साथ एक कनेक्शन हम और ले लेते हैं जो आपका सी होगा, आउटपुट टाइप का देगा, इसमें भी हम एक रेजिस्टेंस लगाते हैं ठीक। और यहां पे क्या करते हैं, इसको भी ग्राउंडिंग कर दीजिए। तो कुछ इस तरह से इसकी संरचना बन जाएगी, ये आपका नॉट गेट होगा पूरा, ऐसे करके जो है यहाँ पे हम देखेंगे ठीक। तो आउटपुट इस तरह से आपको मिल जाएगा। कहने का मतलब यह है जो जो रियलाइजेशन ऑफ लॉजिक गेट है, यानी जो लॉजिक गेट बनता है उसमें पहला जो टाइप है उसमें हम दो पीएन जंक्शन को जो है मतलब पीएन संधि डायोड लेते हैं, और वो भी कैसे फॉरवर्ड वाइज में होते हैं, और ये आपके ये भी फॉरवर्ड वाइज में होते, लेकिन देखने में ऐसा लगता है जैसे इसका जस्ट उल्टा है ठीक। और तीसरा केस जो आपका है नॉट गेट वाला, उसमें हम पीएन जंक्शन डायोड ना लेकर के क्या लेते हैं, एक ट्रायोड वाल्व, एक ट्रांजिस्टर लेते हैं, यानी ट्रायोड वाल्व लेते हैं। तो आपका ये चीज बन जाता है।